हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छा ही रहोगे। मैं भी पहले से बहुत अच्छी हूँ। पैर के जख्म में थोड़ा सा आराम है, किसी दिन दिखाऊंगी, थोड़ा और आराम हो जाए फिर दिखाऊंगी। आज मैं पत्ते गोभी का भजिया बनाने वाली हूँ, बिल्कुल कांदा भजिया जैसा। आप खाओगे तो लगेगा ये कांदा भजिया ही हम खा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले पत्ता गोभी के काट के हम वापस आते हैं। दोस्तों आज घर पे लाइट नहीं है, बिल नहीं भरने की वजह से कल लाइट काट के गया है शाम को, तो ये मोबाइल के लाइट से हम बना रहे हैं। देखिए पत्ता गोभी को देखिए, बिल्कुल देखिए कांदे के जैसे लंबा लंबा हमने काट लिए हैं और धो भी लिए हैं। देखिए देखिए हमने हरी मिर्च, 3-4 हरी मिर्च काट ली है, इसको इसके अंदर डाल देंगे। और सूखा मसाला में लिए हमने लाल मिर्च पाउडर, तीखी मिर्च पाउडर, चाट मसाला और काली मिर्च पाउडर थोड़ा सा, और टेस्ट के हिसाब से नमक। ये सब को हम इसके अंदर डाल देंगे और इसको अच्छे से भी हम मिक्स करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करके हम कम से कम 10 मिनट तक रख देंगे। इसलिए हम इसको 10 मिनट तक रखेंगे कि इसमें नमक मिर्ची जो हम मिलाए हैं सब पत्ते गोभी के अंदर खींच लें, क्योंकि कांदे के अंदर हर चीज़ आसानी से चले जाता है। ये पत्ता गोभी थोड़ा कड़क है, इसके लिए हम इसको 10 मिनट तक रख देंगे। देखिए ये मिक्स हो गया है, अब हम इसको 10 मिनट तक रखते हैं, उसके बाद वापस आते हैं। देखिए दोस्तों मैंने 10 मिनट बोली थी लेकिन मैंने 20 मिनट रखी थी, वो नरम नहीं हुआ था, थोड़ा पत्ता को भी नरम होना चाहिए। अब बीच बीच में मैंने इसको चला दी थी, ये देखिए कितने सारे पानी छोड़ा है ना पत्ते गोभी में। अब इसमें हम बेसन डालेंगे, हिसाब से डालेंगे, ज़्यादा डालेंगे तो फिर खाली बेसन बेसन होगा। अब हम इसको ना अच्छे से मिक्स करते हैं, अगर पानी लगेगा तो पानी डालेंगे, नहीं लगेगा तो नहीं डालेंगे। अभी हम आपको मिक्स करके बताते हैं। देखिए दोस्तों हाथ से इस तरह से मुट्ठी बांध बांध के इस तरह से कस कस के एकदम ऐसे करके हमने मिक्स कर लिए हैं, हमने इसमें बिल्कुल पानी नहीं दिए हैं। देखिए ये देखिए कितने अच्छे से मिक्स हो गया है। देखिए अब हम इसको हाथ धो के गैस के पास चलते हैं, पूरा एकदम इस तरह से मुट्ठी बांधिएगा, इस तरह से मुट्ठी बांध के, क्योंकि पत्ते गोभी के अंदर जो पानी रहेगा वो निकल जाएगा और बेसन में आ जाएगा, इसमें हमने एक बूंद पानी नहीं डाले हैं। दोस्तों कढ़ाई में तेल डाल दी हूँ, तेल गर्म हो गया है। अब हाथ को पानी में भिगा के जैसे कांदा भजिया बनाते वैसे देखिए छोटे छोटे करके इसमें डाल, देखिए इस तरह से हमने डाल दिए हैं। अब इसको हम उलट पुलट के फ्राई कर लेंगे, इस तरह से हमने डाल दिए हैं, सब उलट पुलट के फ्राई कर लेंगे। अब इसको देखिए दोस्तों हम इस तरह से उलट पुलट के इसको फ्राई कर लिए हैं, एक एक करके नहीं उल्टे हैं, सीधा मैं जिस तरह से फ्राई करी उलट पुलट के, इस तरह से हम उलट पुलट के इसको फ्राई कर लिए हैं। देखिए ये बिल्कुल कांदा भजिया जैसा दिखता है। अब हम इसको निकाल लेंगे, इसको अभी पूरा हम निकाल लेंगे। देखिए दोस्तों बिल्कुल कांदा भजिया के जैसे बना है, पूरा निरामिष भजिया है, इसमें कांदा वगैरह लहसुन प्याज वगैरह कुछ भी नहीं है, इसमें निरामिष भजिया बना है, कांदा भजिया इसके सामने फेल है। तो आप लोग भी इस तरह से पत्ता गोभी का कांदा भजिया बनाइए और टेस्ट करिए, टेस्ट करके कमेंट करिए, अच्छा बनता तो भी कमेंट करिए, बुरा बनता तो भी कमेंट करिए, ताकि मुझे पता तो चले कि मेरे बनाए हुए रेसिपी आप लोगों को पसंद आया या नहीं आया। इसमें मिर्ची, हरी मिर्च कंपलसरी है, हरी मिर्च ज़्यादा करके डालना। अगर आपके पास धनिया पत्ता है तो इसमें थोड़ा धनिया पत्ता यानी कोथमीर जिसको बोलते हैं वो इसमें डाल देना। मेरे पास धनिया पत्ता नहीं था बोल के मैंने नहीं डाली, तो आपको जितना तीखा पसंद है उस हिसाब से आपने हरी मिर्च डाल देना इसमें। तो इसी तरह से बनाइए और टेस्ट करिए, मेरे ब्लॉग को आगे बढ़ाइए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए एक दूसरे के साथ। आप लोग एक लाइक, एक सब्सक्राइब, एक व्यूज इस गरीब का गरीबी दूर कर सकता है, इस हैंडीकेप की मदद कर सकता है, मेरे पैर के जख्म को आराम दिला सकता है। तो प्लीज़
आप लोग एक लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और मेरे वीडियो को देखेंगे तो आप लोग को कुछ नहीं जाएगा, उल्टा आप लोग को कुछ ना कुछ मिलेगा। जब मेरा ब्लॉग मोनेटाइज हो जाएगा, दो पैसा मुझे आने लगेगा, मेरे को थोड़ा पैर को आराम मिलेगा, तो मेरे दिल से आप लोगों के लिए दुआ निकलेगी कि आप लोग ने मेरे साथ दिए बोल के मुझे कुछ पैसा आया और मेरे पैर को आराम मिलेगा। मरते दम तक आप लोगों के लिए दुआ करूँगी। तो प्लीज़ आप सब मेरे ब्लॉग को आगे बढ़ाइए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।